से पूछा कि आपने तो उसकी एंगेजमेंट कर दी, मुझे बताया नहीं। उसकी 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 मम्मी ने खुद मेरे को बोला, कौन बोला तुमने एंगेजमेंट कर दी? मैंने बोला वो सामने से मेरे को बोल रही है ठीक है उसकी एंगेजमेंट हो गई, ये सब वो सब झूठ था। उसकी मम्मी ने मेरे को क्लियर वर्ड में भाई बताया है। मेरे पास यूट्यूब का भाई मेल आया, जो मेरी वीडियो थी वो यूट्यूब की तरफ से डिलीट कर दी गई है। और अभी मतलब भाई मैंने यूट्यूब को मेल वगैरह किया है। अस्सलाम वालेकुम सोहन जी, क्या हाल चाल आप सभी का? मैं आपका भाई जाना चाहूँगा न्यू ब्लॉग के साथ वापस। यार तुम लोग सोच रहे हो मतलब इतने दिन से भाई ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा, तुम लोगों को जैसे कि बता भाई अभी रमजान चल रहा है तो तुम्हारा भाई मतलब इसलिए ब्लॉग वगैरह बना नहीं रहा। अभी मैं मतलब किसी काम से आता है, मेरे साथ आया हमारे साजिद भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई। कैसे हो? बढ़िया। क्यों आए यहाँ पे तुम्हारा भाई? मन कर रहा था तो भाई देख सकते हो माशाल्लाह कितना ज्यादा क्राउड हो रहा है। और अभी अभी टाइम पता कितना हो रहा है? हाँ आज अलविदा जुम्मा है, रोजा नहीं अलविदा जुम्मा है आज। तो अभी जो टाइम हो रहा है सिर्फ 4 बजे, 4 बजे देख सकते हो भाई कितनी ज्यादा भीड़ है। तो कुछ कहना चाहोगे भाई इतनी भीड़ के लिए? क्या कहना चाहोगे इतनी भीड़ के लिए बताओ? तो भाई अब कुछ दिन बचे हैं, उसके बाद रमजान चले जाएंगे तो जो आदत पड़ी हुई है ना वो सब छूट जाएगी, तो उस चीज़ का दम रह जाता है ना। तो चलो भाई अभी फिलहाल यहाँ से अभी हम लोग चलते हैं घर पे, इसके थोड़े से फोटो शूट कर देते हैं, मुझे करना नहीं है, जितने करने थे मैंने कर लिए ठीक है। इसके एक दो फोटो शूट करते हैं और फिर चलते हैं। मेरे नहीं होने के, मैं करता ही नहीं भाई। तो फिर चलते हैं घर पे, घर चलते आप लोगों से मिलते हैं तो बस 15 ब्लॉग में। तो भाई देख सकते हो अभी तुम्हारा भाई फिलहाल आ चुका था भाई करोल बाग, करोल बाग से हम लोग जा रहे हैं अपने घर पे। और तुम लोग मतलब ये सोचते हो भाई तुम करोल बाग इतना क्यों आते हो? तो यार तुम्हारे भाई का ना मतलब अपना एक बिजनेस है, कभी आप लोग सोच भी खाली बस यूट्यूब पे डिपेंड रहता हूँ। तो यूट्यूब पे तो देखो एक अलग सीन होता है, बट अपना बिजनेस है और आप लोग जानना चाहते हो कि भाई मैं क्या करता हूँ तो कमेंट करना। और बिजनेस में मेरा क्या बिजनेस है, मेरा और मेरे पापा का साथ में है, हम दोनों साथ में चलते हैं। और हमेशा की तरह आज हमारे रमेश भाई हमें लेकर जा रहे हैं। हाँ जी, मुंबई कब जा रहे हो? मुंबई सर जा रहा हूँ मई में जा रहे हो? 15 मई को फ्लाइट की टिकट हो गए? नहीं टिकट तो अभी मांगी, तत्काल निकाल रहा हूँ। नहीं नहीं अरे मैं इनसे बोल रहा हूँ मुझे कर दो अभी, तुम्हारी निकाल दूंगा ना तो 3-3.5 हज़ार में हो जाएगी। अभी निकाल दो सस्ते में हो जाएगा? हाँ अभी निकाल लूंगा सस्ते में हो जाएगी, वरना एंड टाइम में लोगों तो 5.5 हज़ार की टिकट है। बताओ निकाल दो पक्की बात? तो चलो भाई ये फ्लाइट के पेटीएम पैसे करते? अरे पैसों वाली कोई बात नहीं, तुम भाई हो अपना पैसा तो चलता रहता है। तो यार चलो अभी घर चलते हैं, फिलहाल अल्हम्दुलिल्लाह 5.5 रोजे चल रहे हैं और आज मतलब हल्की सी प्यास लग रही है। क्या भाई? इंडिया एयरलाइन। चलो भाई इंडिया एयरलाइन की कर देंगे। तो आज का मतलब थोड़ा हल्का सा रोज़ा रखना, और रोज़ा लगना भी चाहिए, मतलब इंसान को एहसास होना चाहिए जब भी, तो भाई रोज़ा रखने का मज़ा आता है। फिलहाल अभी कश्मीर गेट पहुँचने वाले हैं हम लोग और चलते हैं घर पे, अपना नमाज पढ़ेंगे और फिर रोज़ा प्यार करते हैं। बाकी आज का दिन मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा रहा और ईद आने वाली तो आप सभी को अभी से ही ईद मुबारक। तो घर चलते हैं, घर चलते आप लोगों से मिलते हैं तो बस 15 ब्लॉग में। तो गाइस देख सकते हो मतलब तुम्हारा भाई आ चुका था यार अपने घर पे। और मतलब देखो यार आगे का जो व्लॉग था ना वो मैंने जानबूझ के खुद ही कंटिन्यू नहीं करा, क्योंकि भाई मैंने मतलब दिन में मतलब बहुत सारी चीज़ें जो करी थी, उसके बाद मैंने रोज़ा प्यार करा था। तो देखो मेरे साथ मतलब क्या सडनली मतलब ऐसा सीन हो गया भाई, मतलब मेरे को बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था यार। तो देखो जो लोग मेरे से मेन चैनल पे जुड़े हुए हैं ना तो उनको पता है मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी, तो मतलब रात तक सब कुछ ठीक था भाई, मैं आया आराम से लेट अपना आके ठीक है। लेटने के बाद मतलब रात मेरे पास यूट्यूब का भाई मेल आया, जो मेरी वीडियो थी वो यूट्यूब की तरफ से डिलीट कर दी गई है। और अभी मतलब भाई मैंने यूट्यूब को मेल वगैरह किया है, बात चल रही है, तो उसका अभी जेन्युइन रीज़न नहीं पता लग रहा भाई क्यों डिलीट है, क्या है क्या नहीं है। तो जैसे ही मेरे पास फटाफट सब कुछ आया था तो मतलब भाई वो वीडियो ठीक हो जाए, क्योंकि यार वो वीडियो ठीक तरीके से भाई निकल रही है, मतलब लोगों तक पहुंच रही है। तो बस मेरा यार ये था, और मैं ब्लॉग इसलिए नहीं कंटिन्यू कर पाया, मतलब भाई तुम्हारा भाई डिमोटिवेट हो चुका था अंदर से यार, कि मतलब इतनी मेहनत से यार एक वीडियो बनाओ उसके बाद ये सब हो जाओ और डिलीट हो जाओ, तो मतलब खुद को भाई बहुत ज़्यादा अंदर से ना रोना आता है यार। तो चलो वो बात तो ठीक है, चलो अब वो बात चल रही है यूट्यूब से, वो हो जाएगा जब होना होगा, अगर नहीं होगा तो लास्ट के 90 दिन में वो खुद ही ठीक हो जाएगा। तो एक प्रॉब्लम मेरे साथ यार और आ चुकी है, मैं तुम लोगों को क्या ही बताऊं भाई, ये जो मेरा कैमरा है ना मतलब जिससे मैं अपनी प्रैंक वीडियो शूट करता हूँ, मेरे पास 2 लेंस है, एक ये वाला है किट लेंस है और एक मेरे पास जूमिंग लेंस है, ये कैनन का 700D है भाई। इसमें मतलब देखो फोकस तो इसमें पता नहीं, इसमें लेंस में दोनों लेंस को फोकस में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है, और वीडियो निकाल रहा हूँ ये मेरे पास वीडियो निकालने का टूल है जिससे मतलब मैं वीडियो वगैरह अपने एंड्रॉइड फ़ोन में निकालता हूँ, ये भी सही से काम नहीं कर रहा, प्रॉपर वीडियो नहीं निकाल के दे रहा और ये फोकस नहीं कर रहा, तो ये चीज़ भी दिक्कत दे रही है, और दोनों चीज़ दिक्कत दे रही है भाई। कल रात मेरे साथ यूट्यूब का सीन हो गया और अब ये हो गया भाई, पता नहीं यार देखो लाइफ में मतलब क्या चीज़ें क्या चीज़ें मतलब यार ऐसे चल रही है, तो मतलब इसी वजह से यार मतलब बंदा डिमोटिवेट हो जाता है यार। तो अब देखो यार मैं तुम लोगों को मेन चीज़ बताता हूँ जिस वजह से भाई मैं व्लॉग आके कंटिन्यू नहीं कर पाया, सडनली मेरे को ऐसा फ़ोन सामने रखा आप लोगों से बात करनी पड़ रही है। तो देखो रात जो मेरे साथ वो सीन हुआ उसको हटाओ, ये कैमरे का सीन है ये भी हटाओ, तो मुस्कान का और मेरा सीन तुम लोगों को भाई पता ही अच्छे से क्या सीन चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो वो सीन तो देखो एक अलग था, बट रात मेरे पास जो है ना मुस्कान की मम्मी का मैसेज आया था, तो देखो कॉल आया उसके बाद, पहले मैं तुमको बताता हूँ पूरा सीन क्या था। तो मैसेज वगैरह आया, सलाम दुआ हुई, बात बात हुई कि मतलब ये सब क्या है क्या नहीं है। तो मेरे को नहीं था कि मतलब जो उसने मेरे को, मैं आप लोगों को ये बात बताऊंगा ना आप लोग भी शौक हो गए, मतलब कि भाई मुस्कान ने मेरे से क्यों झूठ बोला यार,
एक अंदर से मतलब अच्छा भी लग रहा है और एक अंदर से बुरा भी लग रहा है। तो मतलब जो आप लोगों को पता, जो मुस्कान कोलकाता गई थी, तो अब पता लगा उसकी मम्मी ने मुझे जेन्युइन रीज़न बताया, वो लोग क्यों गए थे वहाँ पे, उसका कोई कज़न ब्रदर था या जो भी था, उसकी शादी थी, वो लोग वहाँ पर इसलिए गए थे। तो जो मतलब फ़ोटो था ना, कि जो मतलब मुस्कान ने मेरे को फ़ोटो भेजा था उस लड़के के साथ, तो मतलब वो उसका कुछ ब्रदर लगता है, कुछ भी लगता है, तो मतलब उसका ऐसा कुछ सीन नहीं है। मैंने उसकी मम्मी से पूछा कि आपने तो उसकी एंगेजमेंट कर दी, मुझे बताया नहीं। उसकी मम्मी ने खुद मेरे को बोला, कौन बोला तुमने एंगेजमेंट कर दी? मैंने बोला वो सामने से मेरे को बोल रही है, फोटो भेज दी है। तो उसकी मम्मी ने बोला कौन, थप्पड़ मारूंगी मैं उसके, खुद उसका भाई है वो। मैंने कहा नहीं, इसने मेरे ऐसे वैसे बोला, जब मैं जाके भड़का ये है वो। उसकी मम्मी ने फिर मैं कॉल करा और कॉल रिकॉर्डिंग है, बट मैं भाई देखो ऐसे सुना नहीं सकता, क्योंकि मेरी भी कुछ प्राइवेसी होती है यार फैमिली की। तो चैटिंग देखो मैं दिखा दूंगा, चैटिंग देख लेना। तो अब देखो यही सीन था, उसकी मम्मी ने मेरे को सारी चीज़ें बताई है कि देखो ऐसा कुछ नहीं है, आपस में मत लड़ो, ये ठीक कर लो ये वो। तो यार देखो तुम लोगों को अच्छे से पता है, मतलब ज़्यादा मैं डिमोटिवेट हुआ हूँ, कुछ बीच में इतने सिचुएशन आई है। अब उस वो मजाक कर रही थी मेरे साथ, बट देखो मैं तो बिल्कुल सीरियस था ना, करो मजाक भी कर रही थी, व्लॉग भी देख रही हो, तो क्यों करा तुमने मेरे साथ ऐसा, मुझे बस इतना बता देना यार। ये गलत चीज़ होती है यार किसी को ऐसा वो करना ये वो। अब मेरे दिल से नहीं होगा कभी तुम बोलोगे चल सब ठीक कर लेते हैं ये वो है। अब उसकी मम्मी ने मेरे को बोला कि यार चलो ठीक है ये, मैं उसकी मम्मी की इज्जत रखता हूँ, उसकी मम्मी की इज्जत रख के ही बात कर रहा था कि यार चलो ठीक है। अब मेरे को नहीं पता था कि ये भाई मतलब सडनली मतलब कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा। मेरे को तो सब था कि हाँ ख़त्म है, उसकी मम्मी का जब मेरे पास मैसेज आया, कॉल आया, मैंने कहा चलो ठीक है यार, अब क्या ही बोल सकता हूँ मैं, अब मैं कुछ नहीं बोल सकता भाई। मेरी अगर है तो मेरे से क्यों झूठ बोल रही है यार, क्यों किल्स आ रही है मेरे को, मतलब मैं थोड़ी ना करता यार ऐसा। यार देखो अगर तुम वीडियो देख रही हो ना मुस्कान, तो देखो मतलब ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए कि यार तुम मेरे से किसी और का फोटो, मतलब कि तुम किसी और को बोल भी कह सकती हो कि मेरे साथ एंगेजमेंट हो रही है, शादी हो रही, तो शर्म आनी चाहिए थोड़ी बहुत। प्लीज़ मत करा करो ऐसा, अगर तुम वीडियो देख रही हो तो मेरे साथ ना। तो अभी भाई मैं इसको अभी ठीक करवाने के लिए जाऊँगा, सर्विस सेंटर वगैरह जाना है मेरे को, और इस कार्ड का भी देखते हैं क्या है क्या नहीं है। और फिलहाल अभी अफसारी का टाइम होने वाला, शाम हो रही है अभी, और देखते हैं बाकी। ये जो ब्लॉग है मैं भाई इसलिए डाल रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चले क्या सीन है क्या नहीं है। और बाकी जो वीडियो वाला सीन है वो देखो यूट्यूब से बात वगैरह चल रही है अभी, और देखो अगर वो वीडियो वापस आ जाए तो अच्छी बात है, ना है तो 90 दिन के अंदर वो वापस आ जाएगी। तो देखो बस मेरा एक यही था बताने का कि जो मुस्कान ने मेरे से बात बोली थी कि उसकी एंगेजमेंट हो गई ये सब, वो सब झूठ था, उसकी मम्मी ने मेरे को क्लियर वर्ड में भाई बताया है। और बस यही था भाई, जो भी था चलो थैंक यू सो मच भाई उसकी मम्मी का, उन्होंने मेरे को सामने से बताया। अब मुस्कान से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मतलब क्यों झूठ बोला मेरे से, क्यों झूठ बोला? उसका मैं आप लोगों को पूरा पक्का व्लॉग बना के दिखाऊंगा, चाहे मेन चैनल पे भी दिखाऊंगा और इधर भी दिखाऊंगा, दोनों चीज़ पे दिखाऊंगा। भाई मेरा तो देखो अच्छा खासा व्लॉग बनना था, बट मेरे को एक क्लिप बहुत इंपॉर्टेंट शूट करनी पड़ी सिर्फ तुम लोगों के लिए। तो यार आई होप आप सबको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। तो भाई तुम लोग कमेंट मारके खुद बताना कि मेरे को अब आगे क्या करना चाहिए, मुस्कान के साथ रिलेशन में आना चाहिए नहीं आना चाहिए, जैसे तुम लोग बोलोगे भाई मैं तुम लोगों के हिसाब से चलूंगा, और जैसे तुम लोग मेरे को ओपिनियन दोगे मैं उस हिसाब से दूंगा। तो कमेंट में अपना अच्छा अच्छा फीडबैक जरूर देना। तो ये था आज की वीडियो में, आई होप आप सबको सब कुछ समझ आया होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेन चैनल पर जाकर वीडियो देखना जिन्होंने नहीं देखी है। तो साइड मारो इंस्टाग्राम का यूजर नेम अपने भाई को जाकर फॉलो कर लेना। भाई मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अब देखते हैं आगे क्या सीन करना क्या नहीं करना। आप लोगों के कमेंट का मैं इंतजार करूंगा, सबका रिप्लाई मिलेगा, तो जल्दी जल्दी जाओ कमेंट करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल यार।